सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल में जाके न्यू ले लेता हूँ और इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एंड आउटपुट ए स्ट्रिंग। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, फिर void main, देन उसके बाद हम लोग लास्ट में गेट सी एच ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैरेक्टर का एरे डिक्लेयर करेंगे, कैर सी एच ऑफ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50, मैक्सिमम साइज में यहाँ पे 50 दे दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ लिखूंगा, फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अंदर लिखूंगा एंटर ए स्ट्रिंग। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ, और एक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, हम लोग यहाँ एक स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाएंगे इस प्रकार का, तभी हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे पावर का साइन, फिर स्लैश एन। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सी एच। ठीक है, और सी एच के सामने हम लोग लगा देंगे एम परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग को स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है स्कैन कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ जैसे ही हम लोग नॉर्मली प्रिंट एफ करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंट एस। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग परसेंट एस लगाते हैं, और यहाँ सी एच में दे दूंगा, और उसके पहले यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंटर्ड स्ट्रिंग इज परसेंट एस। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सी एच की वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं सेव। सेव हम लोग करते हैं स्ट्रिंग str.c। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको करते हैं कंपाइल। ठीक है, जीरो एरर, और यहाँ कर देते हैं रन। ठीक है, एंटर ए स्ट्रिंग, मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंटर किया, तो यहाँ पे पूरा को पूरा क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला, और यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग में क्या दिखा रहा है, मेरा नाम दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी हम लोग ये डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग परसेंट एस लिखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ परसेंट एस। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारे पास, परसेंट एस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव, उसके बाद करते हैं कंपाइल, और उसके बाद करते हैं रन, कंट्रोल प्लस F9, यहाँ रन कर दिया। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ धीरेन्द्र, स्पेस दिया, और यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे देखो परसेंट एस लिखा, तो जैसे ही स्पेस एनकाउंटर हुआ और हमारा स्ट्रिंग जो है वहाँ टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग परसेंट एस लिखते हैं तो क्या होगा, जैसे ही स्पेस एनकाउंटर होगा हम लोग का स्ट्रिंग वही टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब उसके बाद का वो स्कैन नहीं कर पाएगा, मतलब इनपुट ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल स्पेसिफायर हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। वो स्पेशल स्पेसिफायर क्या होता है, एस को हम लोग हटाते हैं, इस टाइप का डब्बा लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग
पावर का साइन लगाएंगे और स्लैश एन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, जितना भी लंबा हम लोग स्ट्रिंग डालना चाहते हैं उतना वो स्कैन कर लेगा। यहाँ पे हम लोग कंपाइल किए, यहाँ पे मैं किसी का भी नाम डालता हूँ, ठीक है, या फिर हम लोग लिखते हैं दिस इज साई कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्कैन करके मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई भी कैरेक्टर को हम लोग डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई भी नंबर 98271 समथिंग, कुछ नंबर में डाल दिया, ठीक है, तो उसको भी ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार रन करता हूँ और यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स डालता हूँ, इस प्रकार के एक सिम्बॉल डाल दिया मैंने, उसको भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी सीक्वेंस हम लोग इसके अंदर डालेंगे वो एज इट इज उठा के स्कैन कर लेगा और एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे वो स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पे जो कैरेक्टर का एरे जो हम लोग यहाँ क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसको हम लोग इनिशलाइज कैसे कर रहे हैं, स्कैनएफ के थ्रू हम लोग इनिशलाइज कर रहे हैं। अगर हम लोग चाहते तो वहाँ पे इस प्रकार से भी इनिशलाइज किया जा सकता था। किस प्रकार से, जैसे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और मैं इसके नीचे में यहाँ पे लिखता हूँ सी एच इक्वल टू, और डबल कोट्स में यहाँ डालता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर मैंने डाल दिया और उसके बाद सी एच को, ठीक है, और हम लोग इसको क्या किए, इनिशलाइज कर दिए हैं। और इसको मैं सेव करता हूँ और रन करते हैं इसको, ओके। अच्छा इक्वल टू लग गया क्या, ओके। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करते हैं दिस इज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग दे दिए। और यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग वाला हम लोग कमेंट कर देते हैं और डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देते हैं। मैं इसको सेव किया और इसको रन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग इज दिस इज ए स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से भी उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। या तो हम लोग के पास दूसरा तरीका क्या है, इस प्रकार से नहीं लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, कौन सा, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, दोनों में हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो कॉमन निकला हुआ जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम लोग सिंगल कोट में चेंज कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेता हूँ स्ट्रिंग, इतना ही मैं लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल कोट करके यहाँ पे दिस लिख दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं और कुछ इस प्रकार से हम लोग को आउटपुट देखने मिलेगा। तो दो किसी भी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके हमारे पास, या तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग कर लें, या तो हम लोग इस प्रकार से सिंगल कोट लगा के कर लें, या फिर हम लोग स्कैन ऐप से कर लें, ठीक है। तीनों तरीके से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस
सी सपोर्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन दैट कैन बी यूज टू कैरी आउट मैनी ऑफ द स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस. दीज फंक्शंस आर पैक्ड इन स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी. हेंस यू मस्ट इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम टू यूज दिस फंक्शंस. ठीक है, जो यहाँ पे जो फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो है वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं. ठीक है, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग फंक्शंस काम करते हैं. ठीक है, ये सारे फंक्शंस हम लोग को किसके अंदर मिलेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर में हम लोग को मिलेंगे. तो हम लोग को अगर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को यूज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे. तो हमारे पास तीन हेडर फाइल होगी, stdio.h, conio.h और string.h. तीनों को हम लोग यूज करेंगे और अपने प्रोग्राम के जो स्ट्रिंग्स है उसको हम लोग हैंडल करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल है, वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले स्ट्रिंग कैट, strcat, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन. ठीक है, इट इज यूज टू कॉन्कैटिनेट और कंबाइन टू स्ट्रिंग. अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तो हम लोग strcat का यूज करते हैं, स्ट्रिंग कैट. ओके, देन इसके बाद strlen, इसका मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू शो द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग. ठीक है, अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है तो हम लोग strlen जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है हम लोग उससे कर सकते हैं. देन उसके बाद strreverse, ठीक है, strreverse, इट इज यूज टू शो रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग. ठीक है, किसी का भी अगर हमें रिवर्स करना है, किसी भी स्ट्रिंग का हमें रिवर्स करना है तो हम लोग strreverse का यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद आता है स्ट्रिंग कॉपी, कॉपीज वन स्ट्रिंग इन टू अनदर. एक स्ट्रिंग को अगर हम लोग को दूसरे में कॉपी करना है तो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फाइव टाइप के फंक्शंस अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, और एक है स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp, इट इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग. ठीक है, दो स्ट्रिंग को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास सिक्स स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस अवेलेबल है. स्ट्रिंग कैट, इसका मतलब होता है इट इज यूज टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग. कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना. ठीक है, दो स्ट्रिंग को अगर हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं तो हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. strlen, इसका मतलब क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग को रिटर्न करेगा. स्ट्रिंग रिवर्स में क्या होगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा. ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी में क्या होगा, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेगा. ठीक है, लास्ट वाला क्या है, स्ट्रिंग कंपेयर, इट इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग. तो सिक्स टाइप के हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस अवेलेबल है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 110% आता ही आता है. ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग इसको कैसे लिखते हैं और कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रिंग कैट फंक्शन में, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं strcat और इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं. और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग ले लिए. ठीक है, पैरामीटर यहाँ पे हम लोग ने पास किया, जैसे फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं वैसे ही हम लोग इस पैरामीटर में पास किए हेलो और वर्ल्ड. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वर्ल्ड जो है उस हेलो के बाद में उसको चिपका देगा, कंबाइन कर देगा, जोड़ देगा. ठीक है, लेकिन कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं देगा. अभी यहाँ पे कोई भी स्पेस हम लोग नहीं लिए हेलो के बाद, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग को कंबाइन करके मिल जाएगा. तो कुछ इस प्रकार का हम लोग आउटपुट दिखने मिलेगा. ठीक है, फंक्शन विल ऐड द स्ट्रिंग वर्ल्ड टू हेलो, दैट इज इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड. कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, देन इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रिंग लेंथ में, strlen. ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास टू इट. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए,
इंट जे एक वेरिएबल ले लिए, जे इक्वल टू एच टी आर लेन हम लोग लिए और इसके अंदर हम लोग लिख दिए साई कॉलेज, ठीक है। तो क्या करेगा, इस साई कॉलेज का लेंथ निकाल लेगा। साई कॉलेज का लेंथ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट में 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि लेंथ क्या होता है, लेंथ हमेशा इंटीजर में होगा। लेंथ जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ नंबर में आता है, ठीक है, कोई कैरेक्टर में नहीं आता, नंबर में आएगा, तो नंबर को वो रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग को लेंथ मिल जाएगी 10, ठीक है। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग का अगर हमें लेंथ पता करना है तो एस टी आर लेन जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर हम लोग जिस स्ट्रिंग का भी हमें निकालना है उसको पास कर देंगे और हमें उस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करके मिल जाएगा। फिर आता है स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक स्ट्रिंग, ठीक है, मैं कहीं से कॉपी किया था तो वहीं का दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देखते हैं, strcmp function will return the ASCII difference between first unmatching character of two strings, ठीक है। दोनों के बीच में ASCII values के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर की जाती है। सबसे पहला जो s है ये s को कंपेयर किया जाएगा इस t से, ठीक है। अगर मैच करेगा तो 1 रिटर्न करेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो ओके। तो ASCII डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पे अगर दोनों अनमैच होंगे तो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैच करेगा, ठीक है, तो आगे वाले कैरेक्टर्स को भी वो मैच करेगा। अगर पहला वाला ही यहाँ पे मैच नहीं किया मीन्स वो आगे के कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने सेम यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, एकदम सेम मैं डाल देता हूँ, ठीक है, दोनों मैंने सेम डाल दिया। अब क्या होगा, अगर मैंने दोनों सेम डाल दिया, ये एस को कंपेयर करेगा ये वाले एस से और दोनों सेम मिलेगा, दोनों का ASCII कैरेक्टर सेम होगा और यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर यहाँ पे मान के चलो कैपिटल एस में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल एस, अब दोनों जो है वो मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एस का ASCII वैल्यू अलग होता है, स्मॉल एस का ASCII वैल्यू अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग को फिर से रिटर्न करेगा -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्ट्रिंग कंपेयर है वो वर्क करता है। देन आते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, ठीक है। इट कॉपीज द सेकेंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट टू द फर्स्ट स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिंग को कॉपी करेगा फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कैर एस वन बना लिए हैं स्ट्रिंग वन, ठीक है, जिसका लेंथ है 50, स्ट्रिंग टू जिसका लेंथ है 50, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रिंग कॉपी, एस वन के अंदर हम लोग कॉपी कर रहे हैं साई कॉलेज, ठीक है। एस वन के अंदर हम लोग क्या कर दिए, कॉपी साई कॉलेज। जो सेकंड पैरामीटर हम लोग ने यहाँ पे पास किया है वो हम लोग जिसको कॉपी करने वाले हैं, ठीक है, वो लिखेंगे और जो फर्स्ट वाला रहेगा उसमें वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो साई कॉलेज किस में कॉपी हो रहा है, एस वन में कॉपी हो रहा है जो हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसमें कॉपी हो रहा है। अब यहाँ पे जो एस टू है, एस टू में हम लोग किसको कॉपी कर रहे हैं, एस वन को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, एस वन को हम लोग कॉपी कर रहे हैं एस टू में। तो साई कॉलेज एस वन में था, ठीक है, सेम कॉपी किस में हो जाएगा, एस टू में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एस टू को यहाँ प्रिंट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा आउटपुट में, साई कॉलेज, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी का यूज किए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। इट इज यूज्ड टू रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग एक्सप्रेशन,
ठीक है, स्ट्रिंग को जस्ट रिवर्स करना है अगर हमें तो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक हमने क्या बनाया है, S1 नाम का एक एरे क्रिएट कर लिया जो कैरेक्टर टाइप का है, मीन्स S1 हम लोग ने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, ठीक है, डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर योर स्ट्रिंग करके हम लोग वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे हम लोग गेट एस करके हम लोग इनपुट ले रहे हैं। गेट एस लिखो या फिर हम लोग स्कैनएफ से भी ले सकते हैं, दोनों हम लोग ले सकते हैं फिर, ठीक है। गेट एस में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। S1 में हम लोग इनपुट ले लिए, ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट किया योर रिवर्स स्ट्रिंग इज परसेंट एस, और यहाँ पे हम लोग ने लगाया strrev और यहाँ पे पास कर दिया S1 को जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया था, ठीक है। यहाँ पे पास कर देंगे, स्ट्रिंग रिवर्स क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। कोई भी हम लोग डालें जैसे इस प्रकार से साई कॉलेज हम लोग लिखें, यहाँ पे उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा, सबसे पहले ई आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जी आएगा, सॉरी सबसे पहले आ जाएगा एस, फिर ए, फिर आई, ठीक है, फिर सी, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद एल एल, ठीक है, फिर उसके बाद ई, फिर जी ई, कुछ इस प्रकार का हम लोग को यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग को क्या करेगा, वो पूरा का पूरा रिवर्स कर देगा, मतलब जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसको फर्स्ट कैरेक्टर कर देगा और एक 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 करके उसको रिवर्स करते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स का यूज कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का विद एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने देखा, तो स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कैट मीन्स कॉन्केटिनेशन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 6 टाइप के स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस देखा।